हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप त्यागी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऐलान पर स्वागत करता हूं। तो बेटा कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि आज हमारे देश के हालात क्या हैं। कोरोना काल के चलते सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब हैं, जिनमें से एक आपका एजुकेशन भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई ना कोई एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ होगा, पेपर का डेट भी आ रखा है। जैसे अभी करंट में आया था सीपीओ आ रखा है, आईबीपीएस का, आरआरबी का पीओ आ रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की स्टडी भी कोरोना काल के चलते डिस्टर्ब है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने आपसे रूबरू होने के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सेटअप किया, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ पाए। ठीक है, आज से पहले हम लोगों ने जो काम किया बेटा वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे काम किया है। काफी बड़े ग्रुप के साथ हमने काम किया है और हेक्टिक शेड्यूल के चलते हमने प्लान तो काफी बार किया कि हम लोग ऑनलाइन आए, बट आ नहीं पाए। क्योंकि आप खुद से इमेजिन करो, अगर हम लोग 10 से 12 घंटे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद हिम्मत नहीं बचती कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। ठीक है, अब दूसरी बात यह है बेटा कि कोरोना काल ने सब चीजों को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि मत पूछो। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारे देश के सभी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों का ट्रीटमेंट किया। ऐसे हालात में जब हम घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वो लोग डेली बेसिस पे हॉस्पिटल जाकर के पेशेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो हमारी पुलिस फोर्सेस है, जिसने सब चीजों को बड़े सिस्टमेटिकली वे से अरेंज किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो लोग कोरोना काल में सेवा करते हुए जो लोग शहीद हो गए, उनको सभी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। ठीक है, अब बेटा बात आती है गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब से मुझे एक अपने मतलब दादाजी की कहावत याद आती है कि बेटा जॉब करनी है तो करो सरकारी, वरना बेचो तरकारी। ये जो ये कहावत है ना, आज के टाइम पे बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि अगर हमें एक स्टेबल जॉब चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो वो सब पॉसिबल है आपको गवर्नमेंट जॉब के थ्रू। ठीक है, तो पहले बेटा मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे बेटा आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम है बेटा कुलदीप त्यागी। ठीक है, और मैं आपको बेटा मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? मैथ्स। अब मैथ्स सीखने के लिए हर एक बच्चे का क्वेश्चन होता है, सर मुझे मैथ्स को अच्छा करना है, पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो बस मैं आपको आज थोड़ा सा इतना ही बताता हूं कि आपने किन की पॉइंट पे काम करना है कि आपका मैथ अच्छा बने। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना आज के टाइम पेपर में, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे पहली बात तो आ रही है कि बच्चे को एक करेक्ट अप्रोच का नहीं पता। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आती है बेटा कैलकुलेशन पे, और तीसरी प्रॉब्लम जो है बेटा वो है कॉमन सेंस की। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन तो, जिनकी अप्रोच तो बहुत अच्छी है, बट कैलकुलेशन उनकी खराब है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पेपर उनके लिए लेंथी हो जाता है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है? नेगेटिव। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है बट अप्रोच खराब है, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं कल ऑनलाइन आ रहा हूं बेटा, आपकी डिमांड पर ऑनलाइन आ रहा हूं, और कल हम जो काम करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक काम करने वाले हैं। पहले हम स्टार्टिंग से जो सीखेंगे वो कैलकुलेशन को सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, और जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बेटा कॉमन सेंस। अगर हम लोग मैथ्स को सोल्व करते हुए थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो हम चीजों को बहुत जल्दी कर पा रहे होंगे। वो जब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे पिक करते हैं, वो सब किससे पॉसिबल होगा? कॉमन सेंस से। वो सब मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। ठीक है, तो कल हम लोग काम करेंगे बेटा कैलकुलेशन पे। जो मेरा लाइव आने का टाइम है वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात मैं करता हूं बेटा अपने एक्सपीरियंस की। तो बेटा एक्सपीरियंस मेरे को जो है इन द फील्ड ऑफ एसिस्टेंट बैंकिंग, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एसिस्टेंट बैंकिंग। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मैं मोर देन 20,000 आर पढ़ा चुका हूं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और मैं कहता हूं कि बेटा मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जुड़ें,
उस चीज को आप लोग फील करेंगे नो डाउट। और सभी से मेरी जो मेरे स्टूडेंट हैं ये बाकी जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़े, जिससे क्या होगा कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और उससे बेसिकली होगा क्या कि जब आप लोग हमसे जुड़ोगे कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जानी है, समझ रहे हो। तो कोशिश करो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे को देख पा रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्किल में इस मैसेज को सर्कुलेट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कराएं और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरे जो नेक्स्ट सर हैं रीजनिंग के, सर प्रशांत छोबे सर, प्लीज आइए और थोड़ा सा बच्चों को गाइड कीजिए। सर गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत कुमार चौबे आपका रीजनिंग फैकल्टी। आप सबको 2008 से रीजनिंग टीच कर रहा हूं, लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस, 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, काफी कुछ सीखा इस बीच में आप लोगों से भी बाकी दुनिया से भी। अगर मैं कहूं पास्ट बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत मजा आ रहा था, ऑफलाइन में सुबह 8 बजे जाते थे, रात के 9:30 बजे तक कंटिन्यूस क्लास, बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि रेस्ट करें या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से जुड़ें। फिर एक दौर आया जिसको आप लोग कोरोना काल के नाम से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लाइफ बदल, बहुत ज्यादा बदल गई, एकदम बदल गई। और जब हम इस लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। क्यों, मुझे जो मजा नहीं आ रहा है रीजन, मैं आप सबसे नहीं मिल पा रहा था, अब मुझे मजा आने लग जाएगा क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो टीम है, इन्होंने मुझे कहा सर ऑनलाइन आते हैं। हमारी टीम काफी टाइम से, हम जो ये आपके साथ टीचर्स जुड़ने वाले हैं, हम सेम प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ एक ही टाइम पे लगभग 7 इयर्स से तो इकट्ठे पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर मैं क्लास से बाहर जाता था तो मेरे मैथ्स वाले सर, जो मेरे सर कम क्या बोलते हैं फ्रेंड, फिर उसके बाद मेरे इंग्लिश वाले सर, मेरे जीके वाले सर, मतलब हम लोग काफी टाइम से एक साथ। तो नो डाउट बिल्कुल भी, मतलब एक होता है ना कि टीम बनी हुई है हमारी, बहुत स्ट्रांग मानता हूं इस टीम के साथ अपने आप को, अपनी टीम को मैं। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस 2008 के सफर से अभी तक में 2010 में मैं एज अ बैंक पीओ सिलेक्ट हुआ, इलाहाबाद बैंक मैंने ज्वाइन किया। बट कहते हैं ना, अंदर से टीचर था मेरे अंदर, मैं चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं। तो मुझे ये जो जॉब है बैंकिंग वाली जॉब, ये कुछ समझ में नहीं आई, मुझे ऐसा लगा ये इसके लिए मैं शायद नहीं बना हुआ हूं। तो मैंने चूज किया अपने आप को इस इंडस्ट्री के लिए जिसे हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और आज 2000+ बैंकिंग स्टूडेंट्स जो हैं, वो बैंकिंग स्टूडेंट्स, बैंकिंग वर्कर्स कहूंगा फिलहाल तो मैं, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं एसएससी और अदर की तो मैं काउंटिंग ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि न जाने कितने लाख बच्चे जो मुझसे मिले, मुझसे जुड़े, मुझसे सीखने की कोशिश की जिन्होंने। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका अपने साथ, क्योंकि मैं भी अभी नया नया ही आ गया अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो अपना भी मैं स्वागत करता हूं और आप सबका तो मैं स्वागत करता ही हूं। अब थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है आप सबके साथ, दैट इज रीजनिंग। मैं आप लोगों को रीजनिंग टीच करूंगा, आपके एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट। कैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 नंबर का आता है, आता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपके 50 में से 50 आएंगे, इज द पॉइंट। तो यहां पे जब मैं बात करूंगा 50 out of 50 की स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो इससे ज्यादा कोई भी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है एक्सेप्ट बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग में आपको पता है लेवल क्या होता है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पे हमारा जो तरीका रहने वाला है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग। ये तीन तरह की रीजनिंग आप लोग कवर करने वाले हैं। जब आप इन तीन तरह की रीजनिंग को कवर करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी रीजनिंग हो जाती है बिल्कुल कंप्लीट। अब अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो वहां पे वर्बल रीजनिंग काफी ज्यादा वेटेज रखता है, 70%, नॉन वर्बल 20%, एनालिटिकल वहां पे घट के रह जाता है 10% पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रेलवे के एग्जाम की, या उससे भी ऊपर अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग के एग्जाम की, तो वहां पे हमारा वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाते हैं। बैंकिंग में तो दोनों 50-50 और नॉन वर्बल तो बिल्कुल ही आउट हो जाता है। तो यहां पे मैं आप सबको पूरी तरह, जैसा भी आप जिस भी एग्जाम के लिए चाहते हैं, आपको मैं प्रिपेयर करने वाला हूं, आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूं। अपना जो भी मैंने 12 साल में कमाया है अगले 3 से 4 महीने में आप तक डिलीवर करने वाला हूं, आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, रीजनिंग इजी है और है, रहेगी और थी और वो नहीं है, इज द पॉइंट। प्रेजेंट में जिए। आइए अब यहां से मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज मेरा जो हमारा जो ये चैनल है, जो आप सबका ये चैनल है, ये बहुत नया है अभी, इसको बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके आप इसे लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, जितना हो ज्यादा हो सके शेयर करो। पहले बहुत देखता था ये लाइन में, आज मुझे जरूरत है, इसलिए मैं आप सबसे एक उम्मीद कर रहा हूं, एक आपसे डिमांड कर रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग आपके 50 out of 50 कोई नहीं रोक सकता। और जब आप ये सारा रीजनिंग पढ़ लेंगे तो ये तो हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात। अगर मैं आपको बोलूं कैट, अगर मैं आपको बोलूं मैट, ये एग्जाम्स के भी रीजनिंग आपके क्लियर होने लग जाएंगे, तो आपको इसके बाद रीजनिंग के लिए कुछ नहीं सोचना है। ओके, तो क्योंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं अपने इंट्रोडक्शन को इतने पे ही रोकना चाहूंगा। मेरी एक अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस टॉपिक के लिए, लाइक बैंकिंग के लिए आप कितनी रीजनिंग और कौन कौन से टॉपिक को और कहां पे फोकस करें। एसएससी की अगर बात करूं तो एसएससी में आपको कौन कौन से, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर मैंने ये वाला रीजनिंग, मैंने ये टॉपिक पढ़ के मैं यहां से तैयारी, नहीं, हर पॉइंट का यहां पे सिलेबस थोड़ा डिफर है, थोड़ा अलग हो जाता है, तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है, आपको उस बात पे फोकस करना है। ओके, और उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आता है। तो इसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं अपनी टीम के, एनसाइक्लोपीडिया कहता हूं मैं इनको, नाम वो खुद बताएंगे। जीके के लिए सर, थैंक यू सर आपका। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। और जैसा कि सर ने इंसाइक्लोपीडिया नाम दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे नॉलेजेबल पर्सन है, उसको भी पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 0.0001% नॉलेज है। तो मैं तो पता नहीं कहाँ पर आता हूँ। तो खैर, बात करता हूँ मैं आपके सामने कि मैं डील करूंगा जीएस के साथ, जनरल स्टडीज के साथ। सबसे बड़ा डर बच्चों को जो लगता है वो जीएस के अंदर ही लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 50 में से किसी के 12 नंबर आ रहे हैं, किसी के 20 नंबर आ रहे हैं, बच्चे के बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। और अगर मैं बात करूं जीएस की, तो लास्ट ईयर रिजल्ट उठाकर आप देखना, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीएसआई हो, जो भी टॉप रैंकर रहे हैं उनका जीएस के अंदर 30+ स्कोर या 40+ स्कोर रहा है। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको जीएस के अंदर 30+ या 40+ स्कोर करना है, टॉप रैंक में नाम लाना है, तो आपको जीएस अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। अब आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं।
2014 से और टिल नाउ अब तक मैं आप लोग को जीएस पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी है। और यहाँ पर क्या है कि 6 साल से मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया है, काफी सिलेक्शन दिए है, चाहे वो स्टेट पुलिस के एग्जाम हो, चाहे वो SSC के एग्जाम हो, चाहे वो UPSC CDS एग्जाम हो, चाहे वो CAPF एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है उसके अंदर काफी सिलेक्शन रेशियो हाई रहा है मेरा। और आप जब मेरे से पढ़ोगे तो आपको खुद डिफरेंस फील होगा कि कितने लेवल का पढ़ाया जा रहा है और कितनी चीजें डिलीवर की जा रही है। यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, इंट्रो दे देता हूं। जीएस के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, खैर इतने सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप लोग को मेन सब्जेक्ट जो होंगे जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मैं उसके साथ डील करूंगा, मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। और देखना आप क्लास के अंदर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, चाहे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं, चाहे आपको पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको हिस्ट्री के अंदर बाबर के बारे में पढ़ाऊं, चाहे मैं अलाउद्दीन खिलजी की स्टोरी सुनाऊं, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि हाँ यहां पर बहुत ज्यादा और बहुत डिटेल में कंटेंट मिल रहा है और एक स्टोरी के साथ, शायरी के साथ सारी चीजें होगी यहां पर। आप घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। जल्दी मेरी अगली वीडियो आने वाली है जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा कि सिलेबस क्या है आपका, किस किस एरिया से कैसे कैसे टॉपिक आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनने वाले और कितना डिटेल में बनने वाला है। अगर आप लास्ट 2 to 3 ईयर पे देखते हो तो जीएस का जो लेवल रहा है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। और मेरा एक ही मकसद है, घर घर सरकारी नौकरी, ये मेरी टैगलाइन रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस ऑनलाइन एग्जाम एलन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। और बच्चों में बता देता हूं, मैंने अपने जीवन के अंदर जितने भी टीचर देखे इनसे महान टीचर कोई नहीं देखा, सच्चाई बात है ये। चाहे वो कुलदीप सर हो मैथ के लिए, चाहे वो इंग्लिश के लिए रवि डागर सर हो, चाहे वो रीजनिंग के लिए प्रशांत सर हो, खैर मैं अपना नाम तो लूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुड़िए हमसे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों। तो अब मैं माइक को हैंड ओवर टेक ओवर करना चाहूंगा हमारे इंग्लिश के गुरु जो है रवि डागर सर। और बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक वर्ष आपने अगर इन सभी टीचर्स की, सभी सर की क्लास ले ली तो वादा करता हूं कि आप भूल जाओगे बाकी सभी को, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रहेगी और वो रहेगी एग्जाम ऐलान। ये मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। थैंक यू। दीजिए सर। थैंक यू विवेक सर। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम ऐलान। और मैं बताना चाहूंगा, ऐलान इज एन इंग्लिश वर्ड और उसका मतलब है कॉन्फिडेंस। सो एग्जाम का अगर कॉन्फिडेंस लेके आना है तो फिर जुड़िए एग्जाम ऐलान के साथ। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरे से पहले पढ़े हैं, दे ऑलरेडी नो माई नेम। और जो फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम रवि डागर है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, 8 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। और इन 8 सालों में मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, जैसे SSC, बैंकिंग, NDA, X&Y ग्रुप। सो जैसे कि सर ने कहा कि हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, 5 साल हो गए हैं मैं उनको जानता हूं और हम एक ही सेंटर पे काम कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। उससे पहले मैंने अलग अलग सेंटर्स पे काम किया है, तो कुल मिला के मेरे को 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अब इन 8 सालों में जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ाया है या जो मैंने कवर किया है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। अगर हम एक एग्जाम की बात करें, जैसे SSC, जिनमें वैकेंसी ज्यादा होती हैं और उसका एग्जाम पैटर्न दूसरे एग्जाम से अलग होता है। सो SSC में अगर हम बात करें तो SSC में 50 मार्क्स की जो होती है वो इंग्लिश आती है, और उसी को अगर हम मेंस में देखें तो 200 मार्क्स की इंग्लिश मेंस में कवर की जाती है। अब इसी एग्जाम को अगर आप बैंकिंग से कंपेयर करोगे, आपको इंग्लिश सबके लिए सेम ही पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश में कुल मिला के 3 चीजें कवर की जाती हैं। और वो 3 चीजें क्या क्या हैं वो देख लीजिए। पहले इंग्लिश का सेक्शन जो भी है, जितने भी एग्जाम हैं, सारे के सारे एग्जाम्स में इंग्लिश को सिर्फ 3 ही तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, देन ग्रामर एंड वोकैबुलरीज। अब SSC की अगर हम बात करें तो रीडिंग पे बेस सब टाइप होते हैं, जिनमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा जाता है, क्लोज टेस्ट देखा जाता है, या फिर और भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं जिनका जो बेस होता है वो रीडिंग ही होता है। विच मीन्स अगर आपकी रीडिंग सही नहीं है तो आप यहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले हो। फिर अगर हम ग्रामर देखें तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामर बेस होते हैं।
फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जो वोकैबुलरी बेस्ड देखे जाते हैं, जिनमें सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस एंड स्पेलिंग वगैरह देखी जाती हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन तीन चीजों को अच्छे से कवर करें। अगर आपका रीडिंग अच्छा नहीं है तो फिर आपका स्कोर लो होने वाला है। अगर आपका रीडिंग अच्छा है लेकिन ग्रामर अच्छी नहीं है तो फिर भी आपके नंबर कम आने वाले हैं। सो आपको ग्रामर, रीडिंग एंड वोकैबुलरी तीनों चीजों पर काम करना है। अलग अलग एग्जाम में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो अलग अलग होते हैं और हर एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता है। इसको मैं कुछ ऐसे कहूं कि अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो एसएससी में प्री में तीनों की वेटेज ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट बैंकिंग, देन बैंकिंग में जो प्राइमरी फोकस होता है वो रीडिंग पे होता है एंड ग्रामर पे होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे वोकैबुलरी नहीं आती है, वोकैबुलरी भी कवर करवाई जाती है, लेकिन एसएससी के तरीके से नहीं कवर करवाई जाती है। जैसे एसएससी में डायरेक्ट सिनोनियम में एंटोनियम पूछे जाते हैं या इडियम फ्रेजेस या स्पेलिंग एरर आती हैं, ऐसा बैंकिंग में नहीं होता है। बैंकिंग का जो एग्जाम होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा होता है ना कि लर्निंग बेस्ड। ऐसा नहीं कि आपने चीजें रट ली हैं और चीजें रटने के बाद आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, नहीं, आपको रीडिंग पे अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे एनडी के एग्जाम है तो एनडी के एग्जाम में भी जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट एसएससी जैसा ही है, एग्जाम का जो लेवल है वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही है और एक्स और वाई ग्रुप जैसे हो जाता है, या फिर डीवी का एग्जाम जो हो जाता है उनका जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सेम चीजें उनमें पूछी जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इजी हो जाती हैं बैंकिंग के कंपैरिजन में। सो इन 8 सालों में मैंने बैंकिंग, एसएससी, एक्सवाई, एनडीए काफी सारे बैचेस कंप्लीट किए हैं एंड देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे को बोल रहे थे कि यू नीड टू कम ऑनलाइन सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद आवर स्टडी। बस बिकॉज की कोरोना चल रहा है तो उसकी वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया है, हॉल्ट हो गया है एकदम से। तो उसको, उस हॉल्ट को ब्रेक करने के लिए वी केम अप विद दिस आइडिया कि लेट्स स्टार्ट ऑनलाइन like everybody is doing that. So online platform है, अभी हम YouTube पे आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन कुछ time बाद जो हमारी video है वो हमारी website और application पे भी available होने वाली है। The work is under process, it is going on and in some day you'll have the access to the website and application as well. You can download that from the Play Store and from there you can take your online classes and each and every facility will be provided there. Like online classes will be there, recorded classes will be there and you'll have study notes as well. You'll get enough material, you'll have ample amount of, you know, notes for each and every subject. Chahe aap reasoning ki baat karo, English ki baat karo, ya phir GS ki baat karo, ya phir mathematics ki baat karo. So we'll cover everything and in the upcoming videos on YouTube, we'll cover practice sets as well. जैसे कि आप लोगों को पता है कि notification वगैरह आया हुआ है और banking के लिए भी लोगों को तैयारी करनी है, students को तैयारी करनी है और SSC वगैरह की तैयारी तो continuously almost चलती ही रहती है हमेशा, क्योंकि पता है कि form तो निकलने ही वाले हैं। अब now we can say कि इन तीन चीजों को अगर आप cover करने वाले हो तो आपके marks जो है वो definitely बहुत अच्छे आने वाले हैं। अब इन तीन चीजों को कैसे कवर करोगे, हम ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे, क्या हमें रूल से पढ़ना है या हमें कॉन्सेप्ट सीखनी है, तो वो चीजें आप क्लास में सीखने वाले हो, क्योंकि ग्रामर को पढ़ाने का तरीका वेरी करता है। सी, अगर आप रूल याद रखना चाहते हो तो एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही वोकैबुलरी को भी याद करने का तरीका होता है कि आप स्टोरी बना के याद करते हो या फिर आप किसी सेंटेंस में उसको फॉर्म करके याद करते हो या फिर उसकी हिंदी करते हो या फिर उसका कोई फनी मीनिंग ऐड किया जाता है। देयर आर मल्टीपल वेज इन व्हिच यू कैन लर्न वोकैबुलरीज एज वेल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग, आई विल कवर दैट इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कीप इन टच विद अस एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। एंड आई वुड से थैंक यू my team and I would like to thank everyone and every student jo ki humse judne wala hai ya jo humse already jud chuka hai. Thank you.